बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल ने दूसरी जंग फुजार में, जो आमुल फील के 20 साल बाद हुई, अपने कबीले बनू अदी की नुमाइंदगी की। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक 20 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बनू हाशिम के दस्ते में शामिल थे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबशरा सहाबे किराम में शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में शामिल होना उनके वालिद ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल की दुआ का नतीजा है। ज़ैद बुतों की पूजा से नफ़रत करते थे, दीन सही की तलाश करते करते शाम तक चले गए। ज़ैद बिन अमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दा ऐसे आशिक़े रसूल थे जो इस्लाम से कबल ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेइज्जत के खातिर जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन दीन इब्राहिमी पर कायम रहे। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल एक खुशकिस्मत शख्सियत थे जो कलमाए तैयबा पढ़े बग़ैर जन्नत में दाखिल कर दिए गए। वरका बिन नौफल वही माहिर इंजील थे जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने के बाद आपके नबी होने से मुतालिक निशानियों का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से किया था। वरका बिन नौफल से मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि आप उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के रिश्तेदार भी थे। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल के साथ वरका बिन नौफल भी थे जिन्होंने पहले मजहब यहूद इख्तियार किया, फिर नसरानी बन गए, लेकिन ज़ैद को यहूद नसारा का दीन पसंद न आया। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल कहा करते थे कि अगर कुरैश को मुशरिक करार दिया जाता है तो शिर्क का इर्तिकाब करने में यहूद नसारा भी कम नहीं। ज़ैद मुसल पहुँचे तो एक राहिब ने उनसे कहा, ऐ ज़ैद, तुम तो दीन इब्राहिम की तलाश में हो जो अब दुनिया में नहीं पाया जाता। पूछा उनका दीन क्या था, उसने बताया इब्राहिम यकसू थे, अल्लाह वाहिद की इबादत करते, किसी को उसका शरीक ठहराते, न बुतों के नाम का ज़बीहा चखते थे। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल ने कहा, मेरा दीन भी यही है। चुनांचे वो दीन हनीफ पर पुख्ता हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ख़त्ताब बिन नुफ़ैल ज़ैद के चचा थे। उन्होंने इनकी शदीद मुखालिफत की ईज़ाएँ पहुँचाईं और कबीले के लोगों के साथ मिलकर मक्का से निकाल बाहर किया। वो जबल हिरा पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ज़ैद ने कई बच्चियों की जान भी बचाई जिन्हें उनके वालिदैन जिंदा गाड़ने लगते थे। अरबों में ये कबीह रस्म थी कि वो बेटी के पैदा होने को बायस ज़िल्लत तसव्वुर करते और उसे अपने पर बोझ समझते थे। जब बच्ची ज़रा बड़ी होती तो ज़ैद उसे ले जाते, उसका तमाम ख़र्चा उठाते और उसके वालिद से कहते, तुम कहोगे तो इसे लौटा दूँगा या इसकी किफ़ालत करता रहूँगा। ज़ैद आखिरी दम तक औलाद इस्माईल में आने वाले नबी आखिरु ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इंतज़ार में रहे। हशाम बिन अरवा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त वो शाम में थे और ये खबर सुनकर मक्का आ रहे थे कि बलकान के लोगों ने उन्हें कत्ल कर दिया। ज़ैद ने आमिर बिन रबिया से कहा था, मेरी वफ़ात के बाद तुम आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ज़माना पाओ तो उन्हें मेरा सलाम कहना। जब नबी आखिरु ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मबऊस हुए और आमिर ने इस्लाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को उनकी ये वसीयत सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ज़ैद के सलाम का जवाब दिया, उनके लिए दुआए रहमत की और फरमाया, मैं उनको जन्नत में खुशी से चलते फिरते देख रहा हूँ। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से ज़ैद के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के बारे में इस्तिफ़सार किया तो
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इजाज़त देते हुए इरशाद फरमाया, ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल रोज़े क़यामत एक उम्मती की हैसियत से उठाए जाएंगे। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने बेसत नबी का ज़माना पाया और इस्लाम की तरफ सबकत करने की सआदत हासिल की। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे यह नेमत यानी इस्लाम पाने की मोहलत ना दी तो मेरे बेटे सईद को इससे महरूम न रखना। उनकी तरबियत और दुआ ही का नतीजा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उनके फ़र्जंद हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सच्ची दावत हक पर लबैक कहा और अपनी नेक बख्त बीवी के साथ हल्का बगोश इस्लाम हो गए। आपकी बीवी का नाम फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हकीकी बहन थीं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। बहन और बहनोई की तब्दीली मजहब का सुनकर नहायत गज़बनाक हुए और दोनों मियाँ बीवी को इस कदर मारा कि दोनों लहूलुहान हो गए। मगर उनकी इस्तेकामत व इस्तकलाल ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ारूक आज़म बना दिया।